हरे कृष्णा। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष में ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। एक बार उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अगर जन्मदिन मनाना है तो आज के दिन हमें सारे मेरा जन्मदिन सभी शिक्षकों को समर्पित करना चाहिए। तो सन 1965 5 सितंबर से ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत जो कि शिक्षा का केंद्र है, हमारे पुरातन समय में प्राचीन समय में वेदों का जो प्रचार और प्रसार था वो भारत में ही हुआ है ना। भारत ही आध्यात्मिक शिक्षा की भी जननी है, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है उसमें हमारी आध्यात्मिक शिक्षा का पतन होता जा रहा है। भौतिक शिक्षा व्यक्ति को एक भौतिक मुकाम तक पहुंचाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो मनुष्य के जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए पहुंचाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन हमें केवल भौतिक शिक्षा का ही प्रचार ना करें। भौतिक शिक्षा का प्रचार सब जगह हो रहा है, व्यक्ति उस शिक्षा का अध्ययन करके विभिन्न पदों को अच्छे पैकेजों को प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसमें वहीं पे अनसेटिस्फेक्शन भी है ना। सुसाइड रेट भी बढ़ रहे हैं, परिवारों का विघटन हो रहा है। एक तरफ तो हम हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही देखें तो हम कहीं ना कहीं अपनी आंतरिक मनोदशा से लड़ रहे हैं। आंतरिक मनोदशा जो आध्यात्मिक शिक्षा से सुदृढ़ होती है, आध्यात्मिक शिक्षा जो भारत में मूल स्रोत थी और 1830 से पहले गुरुकुल परंपरा थी, जो आधुनिक शिक्षा जब आई 1830 के बाद से, तो धीरे धीरे हमारी गुरुकुल पद्धति जो थी वो विलुप्त होती चली गई। तो आज के समय में हमारा जो शिक्षा है वो शुद्ध रूप से भौतिक शिक्षा है ना। भौतिक शिक्षा हमको एक पद प्रतिष्ठा और धन देती है, लेकिन हमारे जीवन में हमें कैसे रहना है, एक मनुष्य का की मनुष्यता क्या होती है, ये आध्यात्मिक शिक्षा से आता है। हो सकता है आदमी के पास पद हो, धन हो, लेकिन वो आदमी में कितनी मानवता है ये गुण विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है ना। एक बार की बात है कि मैं एक मित्र के यहाँ गया और उनके बच्चे कुछ शरारत कर रहे थे, तो वो मुझसे कहते हैं कि आजकल स्कूलों में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। ऐसे ही मैं अपने एक दूसरे मित्र के पास गया जो वाकई शिक्षक हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं। उनका कहना था कि आजकल माता पिता बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। तो हो क्या रहा है, हम अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर टाल रहे हैं। माता पिता ये कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा, इन्हें संस्कार नहीं दिए जा रहे। तो जो शिक्षक है उसकी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि शिक्षक को एक क्या रोल मॉडल होना चाहिए, लोग उसे देखते हैं। शिक्षक वो होता है जिसकी अपनी इंद्रियों पर क्या हो, कंट्रोल। शिक्षक पे बहुत जिम्मेदारी है समाज के निर्माण की। शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो अपने आचरण से सिखाता है, और शिक्षक
जो शिक्षा देता है वो शिक्षा देने से पहले वो इंस्पायर करता है। सार जो है वो शिक्षक का है कि वो अपने शिष्य को क्या करे, हमेशा इंस्पायर करे बढ़ने के लिए। तो ये शिक्षक दिवस हम हर साल मनाते हैं और ये सेलिब्रेशन एक ट्रिब्यूट होती है अपने टीचर्स के लिए, जो विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं वो ट्रिब्यूट देते हैं। और मैं इसे कहूँगा कि एक शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे समाज के संस्कारों के निर्माण के लिए। ये एक बहुत प्रभावशाली जिम्मेदारी है, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में या समाज में बात करें तो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, मौलिकता चली जा रही है, नैतिक शिक्षा भी खत्म हो रही है। तो इनको भी करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए, और जिससे जब ये सब करिकुलम आएगा तब एक सही है ना देशभक्त, एक अच्छे नागरिक का जन्म होता है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वो व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त है, क्योंकि उसमें ही वो सारे गुण आते हैं जो एक संभाव की तरीके से प्रदर्शित होते हैं, है ना। उसमें वो गुण आते हैं जैसे पंडिता समदर्शिना, पंडित व्यक्ति वो है, वो ज्ञानी है जिसमें जो सबको समान भाव से देखे। तो मेजर रोल शिक्षा का यही है, व्यक्ति में ये समान भाव उत्पन्न हो। लेकिन ये आध्यात्मिक शिक्षा से ही आएगा, तो हमें दोनों ही शिक्षाओं पर बल देना है। अपने जीवन में दोनों का ही एक रोल है महत्वपूर्ण, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। तो एज ए टीचर भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टूडेंट्स को केवल कंटेंट डिलीवर करने से अच्छा है कि हम इन बातों पर भी ध्यान रखें कि वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा व्यक्ति बने। जब वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा तो वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह ढंग से करेगा। तो व्यक्ति का जो आचरण है वो आध्यात्मिक शिक्षा से ही सही होता है। भौतिक शिक्षा क्या करती है, द्वेष करती है, कंपैरिजन करती है, ये फर्क है। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, हम अपने को सुख देने के लिए दूसरे को दुखी कर देते हैं। आज का जो फंडा वो यही चल रहा है, अपने को सुखी रखो दूसरे को दुखी कर दो, तो इससे क्या होगा, एक सुखी होगा और 99 दुखी हो जाएंगे, तो क्या होगा, चारों तरफ दुखी दुख आएगा। तो भौतिक शिक्षा जरूरी है लेकिन इसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो जब हम दोनों शिक्षा का प्रचार करेंगे, दोनों शिक्षाएं देंगे, तब वो एक बैलेंस व्यक्ति बनेगा। वो समझ पाएगा कि जो भौतिक चीजें हैं या भौतिक ज्ञान है उसका क्या रोल है, उसकी क्या अपनी विशेषता है। तो मैं सभी शिक्षक गण को इस दिन पर बधाई देता हूँ और एक अपील करता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी है हमारे और आपके कंधों पर, तो उसका निर्वाह करने के लिए अपने आप को सुदृढ़ बनाएं और अपने आचरण को इतना स्ट्रांग बनाएं कि उससे प्रभावित हों आपके स्टूडेंट्स, आपके विद्यार्थी, और जीवन में एक सफल व्यक्ति बने। हरे कृष्णा।